अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अहमद शहजाद के फैंस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। अहमद शहजाद के फैंस के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 से 3 साल अहमद शहजाद लगातार डोमेस्टिक सीजन्स खेल रहे हैं और वह हर टूर्नामेंट में लगातार रन भी कर रहे हैं। इस दफ़ा जो नेशनल T20 कप हो रहा है, इस टूर्नामेंट में अहमद शहजाद ने 4 से 5 लगातार 50s बनाई हैं और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया है। अहमद शहजाद ने पूरे सीज़न में रन्स किए हैं। सिर्फ 2 से 3 ऐसे मैचेस होंगे जिनमें अहमद शहजाद रन्स नहीं कर पाए। अलबत्ता इस वक्त वो टॉप फॉर्म में है। अब अगर उनकी वापसी की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली जानी है। दोस्तों, जैसे ही ये सीरीज़ इख्तिताम होगी, इसके बाद कौमी टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जानी है। तो दोस्तों, बहुत जल्द उस सीरीज़ के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया जाएगा और अहमद शहजाद इस वक्त हॉट लिस्ट में हैं। जी हां दोस्तों, अहमद शहजाद को के फैंस को गुड न्यूज़ ये दे दूँ कि अहमद शहजाद को न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। जी हाँ, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर ने ये ग्रीन सिग्नल अहमद शहजाद को दिया है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको यकीनन टीम में जगह मिलेगी। तो अहमद शहजाद के इस वक्त काफ़ी चांसेस हैं, बस अब स्क्वाड ऐलान होने का इंतज़ार है अहमद शहजाद के फैंस के लिए। तो क्या आप अहमद शहजाद को कौमी टीम में एक बार फिर वापसी करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।